नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भारतीय रोजगार चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप देख सकते हो निमर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, इसके द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है, एक्सेप्ट पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी ऐसे वैकेंसीज आते हैं उनका डिटेल हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करते हैं, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो नीचे आप देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। डेट है 10 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में, और मिनिमम एज का क्राइटेरिया 25 से लेकर 30 तारीख, 30 साल तक है। और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आप ले सकते हो। यहाँ पे 10वीं से लेके डिप्लोमा डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट निकला हुआ है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 के लिए 6 पोस्ट निकला है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए 44 पोस्ट निकला हुआ है। सॉरी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 पोस्ट। अब नोटिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन पोस्ट के लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा। जनरली आजकल जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही हो रहा है, वो भी 6 मंथ के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश सबके लिए निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ के लिए भी निकला हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बस्तर, इन क्षेत्रों के लिए निकला हुआ है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है बिल्कुल अप्लाई करिए, क्योंकि हम लोग एलिजिबल नहीं है बोल के अप्लाई नहीं करते, जिसके वजह से वो सीट खाली रह जाती है और बाहर वाले आके यहाँ पे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, इसके लिए लाइफ साइंस के लिए मंगा हुआ है ग्रेजुएशन में, अगर मास्टर डिग्री है तो बेस है। 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है, सॉरी 31,000 रुपया। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 18,000 सैलरी रखी गई है। यहाँ पे देखिए 12वीं साइंस, और अगर 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, DMLT बोलते हैं इसको, DMLT है तो बेटर है। अदरवाइज BSc डिग्री होना चाहिए कोई भी बायोलॉजी में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 1 16,000 रुपये सैलरी रखी गई है, 25 साल का उम्र होना चाहिए मिनिमम, इसमें 10वीं पास मंगा हुआ है, 1 ईयर एक्सपीरियंस हॉस्पिटली हॉस्पिटल लेबोरेटरी हेल्थ सिस्टम कम्युनिटी, इधर अगर कहीं है आपका एक्सपीरियंस तो यहाँ पे 2 साल के लिए, 2 साल एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद अगर 2 साल एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट यहाँ पे 31,000 रुपये उनकी सैलरी रखी गई है, ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उनके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उनका जो वर्किंग फील्ड होगा वो बायोलॉजिकल फील्ड में होनी चाहिए, साइंस के फील्ड में होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेजुएट ए, यहाँ पे सैलरी रखी गई है 17,000 रुपये, और यहाँ पे उनको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस 8,000 की डिप्रेशन पर आवर थ्रू स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, जस्ट कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए इनको भी, और टाइपिंग वाइपिंग इनका अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हो इंटरव्यू कब कहाँ कैसे रखा गया है, इसका डिटेल पूरा नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो झारखंड में 24/4 को स्टार्ट है। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ओल्ड डायरेक्टोरेट बिल्डिंग, RCH कैंपस, नमकून, रांची, झारखंड। सिमिलर ऐसे देख सकते हो सब जगह के लिए निकला हुआ है। जहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए आप देख सकते हो कि 18/4/2023 को 11 बजे से शुरू होगा। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च फील्ड यूनिट यूनिट RLTRI कैंपस लालपुर रायपुर छत्तीसगढ़ 4920515, यहाँ पे आप देख सकते हो। दिल्ली के लिए भी इतने सारे वैकेंसी निकले हुए हैं जो आप देख सकते हो, अलग अलग डेट वाइज उन्होंने क्लेरिफाई किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू में जाना है, प्लस अपना पूरा डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है वो रिटर्न एग्जाम भी लेंगे, बट अभी जब तक कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते हैं तो वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
बिल्कुल दोस्तों, जो एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में बहुत कम कंपटीशन है, आपको पता ही है, तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई करिए यहाँ पे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो बिल्कुल लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।